हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पाव भाजी जुगाड़। तो उसके लिए हमें लगेगा, ये एक लादी पाव है, लादी पाव है। और ये मेरा कोई उसको लादी पाव को मैंने बीच में स्लाइस कर दिया है। और ये जो बाउल में दिख रहा है उस वो कोई पिज़्ज़ा सॉस या टमाटो सॉस नहीं है, मेरा मॉर्निंग का बचा हुआ पाव भाजी का भाजी है जो मैंने फ्रिज में रखी थी। उसको मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, शाम को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है। ओके, तो उसको मैं पाव में पूरा फैला रही हूँ। ये मेरा रेड नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें कलर नहीं डाला है मैंने, नेचुरल है। ओके, ये है बारीक कटी हुई अनियन, प्याज और मिर्च को, हरी मिर्च को मैंने बारीक काट दिया है। दो हरी मिर्च लिया है, छोटा वाला, और एक प्याज लिया है। ये मेरा एकदम स्मैश किया हुआ पटैटो है, पटैटो को मैंने बॉईल करके पील करके स्मैश कर लिया, एक छोटा सा पटैटो लिया है मैंने। ये मेरा प्रोसेस चीज़ है, जो अमूल का जो क्यूब रहता है ना चीज़ के, वो ले लिया है मैंने। दो चीज़ क्यूब लिया है, उसको मैं अच्छे से काट दिया है, छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया और ये पूरा भर दिया इसमें। बेटी को क्यूब चीज़ बहुत पसंद है इसलिए मैं ज़्यादा डाल रही हूँ, आप कम भी डाल सकते हो। ठीक है, तो अभी ये हो गया, इसको बंद करेंगे। अच्छे से प्रेस करना है इसको, ये प्रीहीट करके रखा है मैंने। ओके, सॉल्ट डाल के एक पतीले को प्रीहीट करके रखा है और ऐसे रख देंगे। डिस्क्रिप्शन में इन डिटेल में मैं दे रही हूँ, आप प्लीज़ पढ़ लेना। ओके, इसको एक अभी बटर लगाना है हमें। बटर नहीं, मतलब हल्का सा लगा सकते हो, मुझे ज़्यादा लगाना था इसलिए ज़्यादा लगा लिया। ये इवनिंग स्नैक के लिए बना रही हूँ और मेरे बेटी के लिए, बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो फिर उनको बटर चीज़ में बहुत अच्छा लगता है उनको। इसको ढक दिया और एक 5 मिनट तक इसको धीमी आंच में पकाएंगे। इसको अच्छे से प्रेस करना है। क्रिस्पी फ्रॉम आउटसाइड, डेलीशियस एंड सॉफ्ट फ्रॉम इनसाइड, पाव भाजी स्नैक। थैंक यू।